तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो है प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो आपको जहां पर भी इस एप्लीकेशन को क्रिएट करना है तो उस पाथ में आप क्या करें, पहले शुरू तो एक न्यू फोल्डर बना ले। जैसे कि मैं यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ नोट माई सीक्वल क्रड। ये मैंने इसका नाम रखा, इसको ओपन करूंगा। और अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं तो राइट क्लिक करिए, ओपन विद कोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो फोल्डर है ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर कोई भी फाइल या फिर फोल्डर्स नहीं है तो ये एम्प्टी शो करेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना है टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे npm init कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हम पैकेज जेसन की फाइल बना सकते हैं जिसमें हम सारे पैकेजेस डिपेंडेंसी स्क्रिप्ट सबको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे npm init, इतना लिख के आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि पैकेज का नाम क्या रखना है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो मैं डिफॉल्ट रखता हूँ नोड माई सिक्वल क्रड, उसके बाद में वर्जन इसको भी डिफॉल्ट रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं माई सिक्वल नोड जेएस क्रडर, ये डिस्क्रिप्शन हमने लिखा। उसके बाद में एंट्री पॉइंट पे हम क्या करेंगे, सर्वर डॉट जेएस की मेन हमारी एंट्री पॉइंट फाइल रखेंगे। आप इंडेक्स यूज कर सकते हैं या फिर ऐप डॉट जेएस का भी मेन फाइल रख सकते हैं। मेन फाइल का मतलब क्या है कि जैसे एप्लीकेशन रन होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। इतना लिख के एंटर प्रेस करते हैं। टेस्ट कमांड हमको नहीं चाहिए, गिट रिपोजिटरी भी हमको नहीं चाहिए, एंटर प्रेस करेंगे। कीवर्ड्स भी अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं, मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। उसके बाद में ऑथर में आप अपना नाम लिख सकते हैं और लाइसेंस को एम्प्टी छोड़ देता हूँ। और लास्ट में आपसे पूछता है कि ये सारी डिटेल्स अगर आपने फिल कर दिए ये सही है या नहीं, तो सिंपल हम एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए एक पैकेज जेसन की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अभी हमारे प्रोजेक्ट की मेन फाइल है, इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो जो चीजें हमने प्रोवाइड की थी तो उसके बेस पे जेसन की फाइल क्रिएट हो गई, जिसे हम कहते हैं पैकेज जेसन। इसमें देखिए नेम है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रिप्ट में क्या होता है, एप्लीकेशन को कैसे रन कराना है उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर स्क्रिप्ट बना सकते हैं। उसके बाद में ऑथर लाइसेंस, और उसके बाद में यहाँ पर डिपेंडेंसी का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जैसे हम डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करेंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक्सप्रेस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक्सप्रेस को डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे कि देखिए इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख सकते हैं, इंस्टॉलिंग एक्सप्रेस। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले npm इंस्टॉल एक्सप्रेस का यूज करना है। इसको आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं या फिर आप npm js पे भी जा सकते हैं, npmjs.com। यहाँ पे भी सारे पैकेजेस आपको मिल जाएंगे, सिंपल आपको यहाँ पर सर्च करना है, एक्सप्रेस करके सर्च करेंगे, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सेम जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो और ये दोनों सेम है। बस यहाँ पे क्या है, आपको जो है अच्छा सा इसका ओवरव्यू मिल जाएगा, क्या चीज़ है, कैसे काम कर रही है, रिपोजिटरी, डाउनलोड्स, पॉपुलैरिटी, इश्यूज, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं। और यहाँ से आप इंस्टॉलेशन कमांड भी कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, चलते VS कोड में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू CLS कर देते हैं, यानी स्क्रीन को क्लियर कर रहा हो। उसके बाद में हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे npm i express। अभी देखिए फोल्डर हमारा पूरा खाली है, सिर्फ एक पैकेज जेसन की फाइल है। अब जैसे एंटर प्रेस करूंगा ना तो देखिए यहाँ पर एक नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का फोल्डर बन जाएगा और एक पैकेज लॉग जेसन की फाइल क्रिएट हो जाएगी, जो कि क्रिएट होगी। छोटे छोटे पैकेजेस होते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे पैकेज जेसन फाइल में तो डिपेंडेंसी का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो चुका है। तो जितने भी डिपेंडेंसी, जैसे हमने एक्सप्रेस को डाउनलोड किया ना, तो ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंसी हो गई। तो उसी तरीके से अगर हम दूसरे डिपेंडेंसी को भी डाउनलोड करेंगे तो वो यहाँ पर वन बाय वन शो होते रहेंगे। उसके बाद में पैकेज लॉग जेसन की फाइल है, यानी आपकी जो भी डिपेंडेंसी है उसको काम करने के लिए क्या क्या पैकेजेस चाहिए तो उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पर होती है। तो इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का फोल्डर भी हमको मिलता है जिसमें हमारी सारी डिपेंडेंसीज होती है। तो इसमें भी हमको कुछ भी नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेन फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे सर्वर डॉट जेएस। इसमें हमको क्या करना है, सर्वर को क्रिएट करना है। तो सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल देखिए आपको क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट कोई भी डिपेंडेंसी को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ता है। फिर उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट, सेम नाम से बनाएंगे एक्सप्रेस इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे रिक्वायर यूज करेंगे। और अगर आपको ES6 यूज करना है तो फिर आपको टाइप मॉड्यूल करना पड़ेगा। हम यहाँ पर ES5 के साथ में जाएंगे, यानी रिक्वायर का सिंटैक्स हम यूज करने वाले हैं। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंटैक्स यूज करना है तो आप जो है टाइप मॉड्यूल कर लीजिए। रिक्वायर में हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है। अब हम एक्सप्रेस के फीचर्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐप ऑब्जेक्ट बना देंगे जिसे हम रेस्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो रेस्ट ऑब्जेक्ट, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू, फिर उसके बाद में एक्सप्रेस के सारी फंक्शनैलिटी को इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। उसके बाद में हमको एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक पोर्ट लगता है, सो पोर्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू, और इसको हम कर देंगे 8080। इसके बाद में यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मिडल वेयर भी ऐड कर सकते हैं। सो कमेंट बनाते चल रहे हैं, ये है मिडल वेयर और इसमें हमारे पास रहते हैं राउट। तो राउट कैसे बनाएंगे, सिंपल ऐप का यूज करेंगे, ऐप डॉट, फिर उसके बाद में मेथड, तो गेट मेथड ट्राई कर लेंगे पहले, गेट स्लैश, और इसको कर देता हूँ मैं टेस्ट। टेस्ट के बाद में आप यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यूज कर सकते हैं, कॉल बैक फंक्शन में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम रिसीव कर सकते हैं। तो एज अ आर्ग्यूमेंट आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को इसमें रिसीव करेंगे, और यहाँ पे आप कोई भी रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, जैसे कि रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस कोड आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि 200 फॉर ओके रिक्वेस्ट, और फिर आप यहाँ पर सेंड फंक्शन या फिर जेसन रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट सेंड कर लेता हूँ और इसमें एक H1 ऐड कर देता हूँ, H1, और इसमें हम लिखेंगे नोड जेएस माई सिक्वल ऐप। तो ये हो गया हमारा बेसिक सर्वर का सेटअप। अब हमको इसको लिसन करना पड़ता है, यानी एप्लीकेशन को रन कराना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिसन फंक्शन यूज करेंगे, सो ऐप डॉट लिसन। लिसन के अंदर आपको पोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसके लिए एक वेरिएबल बना के रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पास कर देंगे पोर्ट, और ये भी हमको एक कॉल बैक फंक्शन देगा जिसमें आप कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग ही कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऑफ, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग ऐड कर देंगे सर्वर रनिंग, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर हमारा बेसिक सर्वर का सेटअप हो चुका है, इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे, सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नोड, फिर उसके बाद में फाइल का नाम, तो हमारे केस में क्या है, सर्वर डॉट जेएस, स्लैश भी आ गया। इतना लिख के आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एक मैसेज आपको देखने मिल जाएगा, सर्वर रनिंग। अब आप इस एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। देखिए नोड जेएस बाई डिफॉल्ट लोकल होस्ट पे काम करता है, अगर आपको इसको ग्लोबली एक्सेस करना है तो आपको कोई ना कोई सर्वर पे इसको होस्ट करना पड़ेगा। अभी हम लोकली टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा होस्ट रहेगा लोकल होस्ट, उसके बाद में फिर पोर्ट नंबर और फिर एपीआई का एड्रेस, जैसे कि हमारे केस में भी टेस्ट है। तो चलिए इसको टेस्ट कर देंगे, ब्राउजर पे ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उसको http://localhost 8080 और उसके बाद में फिर टेस्ट, इतना लिख के एंटर प्रेस करूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक H1 टैग में हमको मिल चुका है नोड जेएस माई सिक्वल ऐप। तो परफेक्टली हमारा सर्वर काम कर रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इन्हेंस कर लेंगे। और एक और प्रॉब्लम क्या है इसमें, जैसे देखिए मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करता हूँ, नोड जेएस माई सिक्वल ऐप के बदले हम कर लेंगे वेलकम, सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर ब्राउजर में आके रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये चेंज नहीं हो रहा है। जैसे नॉर्मली आपने कोई भी फ्रंट एंड के साथ में देखा होगा या फिर रिएक्ट एंगुलर में देखा होगा, वहां पे जो है जैसे हम कुछ भी सेव करते हैं और अगर यहाँ पे रिफ्रेश भी कर ले या फिर ऑटोमेटिक भी चेंजेस डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन नोड में ऐसा नहीं है, डायरेक्टली जो है चेंजेस डिटेक्ट नहीं होते। तो उसको भी हम फिक्स कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।